अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आयमा अहमद। उम्मीद करती हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, ये आखिर क्यों बनते हैं और इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। टिप नंबर वन ये है कि आपने सबसे पहले स्टीम लेनी है, उसके बाद आपने एक टॉवल या टिश्यू पेपर की मदद से अपने फेस को हल्का सा प्रेस करना है। इससे तमाम वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं जिनको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का मसला बन चुका है वो इसे किस तरह से क्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ जेलेटिन पाउडर, ये आपको किसी भी ग्लोसरी स्टोर से इजीली मिल जाएगा। आज की टिप्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पर वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स कभी आएंगे ही नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक खाली बाउल लेंगे, इसके बाद इसके अंदर 2 टीस्पून जेलेटिन पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपको इसकी स्मेल अच्छी ना लगे तो आप इसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, इससे इसकी स्मेल जो है थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अब हम इसे माइक्रोवेव करेंगे 10 सेकंड के लिए। तो 10 सेकंड माइक्रोवेव करने के बाद हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लें, जहाँ जहाँ पर आपको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का इशू रहता है। बिल्कुल थिन सी आपने लेयर जो है अपने फेस पर अप्लाई करनी है। आप इसे अपने नोज़ के साथ साथ चिन और चीक के एरियाज़ और फोरहेड पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने फेस पर अप्लाई कर लेना और इसे ड्राई होने देना। तो 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा। और अब हम इसे अपने फेस से रिमूव करेंगे। अगर आप इस मिक्सचर को वीक में 1 से 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके तमाम वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का जो इशू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं टिप नंबर 2 की, कि जो चाहते हैं कि हमारे फेस पर वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बिल्कुल ना आए तो वो इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करें। तो हमारी टिप नंबर 2 बहुत ही छोटी और आसान सी है। तो टिप नंबर 2 के लिए हमें सबसे पहले एक एलोवेरा जेल का छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पार्ट चाहिए। उसके बाद हम लेंगे शुगर यानी चीनी, जो आम रेगुलर यूज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। आपने एलोवेरा जेल लेनी है और इसे सेंटर से काट लेना है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और अब इसके ऊपर हम शुगर ऐड करेंगे। इस तरह से एलोवेरा जेल और शुगर को अपने फेस पर अप्लाई किया करें, इससे आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बनने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप इस रेमेडी को वीक में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकती हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी दोनों टिप्स ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।